पहला सवाल, जैसे आप देख पा रहे हैं, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी वो ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में निदा फाजली की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है, निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी 12 अक्टूबर 1938 में। 12 अक्टूबर 1938 में। आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे तो आप इससे फ़ायदा होगा, आपको याद भी होगा और आपका राइटिंग भी बनेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? तो 8 फरवरी 2016 ईस्वी को निदा फाजली का इंतकाल हो गया, 8 फरवरी 2016 ईस्वी को। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निदा फाजली का इंतकाल कहाँ हुआ? तो निदा फाजली का इंतकाल हुआ था मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कह रहा है, निदा फाजली का असल नाम क्या था? तो निदा फाजली का असल नाम था मुक्तदा हसन निदा फाजली। मुक्तदा हसन निदा फाजली। मुक्तदा हसन निदा फाजली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निदा फाजली का असल नाम क्या था? तो मुक्तदा हसन निदा फाजली, यानी कि मुक्तदा हसन इसमें जोड़ना है, निदा फाजली का ये असल नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, नज़्म बिजली का खम्बा के शायर कौन है? तो नज़्म बिजली का खम्बा के शायर कौन है? तो निदा फाजली है। उसी तरह से फिर जो है अगला आएगा, नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसके शायर का नाम क्या है? तो वो है निदा फाजली। तो इसको मैं बिल्कुल ट्रिक के द्वारा याद करा हूँ, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निदा फाजली का ख़ानदान कब कराची में जा बसे? कराची जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो निदा फाजली का ख़ानदान 1965 में वो लोग कराची में जाकर के बस गए थे। चल अगला सवाल देख लेते हैं। उन्होंने किस मजामीन में MA तक की तालीम हासिल की? किस मजामीन में, यानी कि किस सब्जेक्ट में, किस विषय में? तो उन्होंने उर्दू और हिंदी में कहाँ तक तालीम हासिल की? MA तक की तालीम हासिल की उर्दू और हिंदी मजामीन से, यानी कि उर्दू और हिंदी सब्जेक्ट से। अगला सवाल कह रहा है, निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में शामिल किया है? यानी कि निदा फाजली जो है अपने नज़्म में समाज के किस तबके के, किस तबके, किस जाति के जो है वो मसाइल को अपने नज़्म में शामिल किया है? तो कमज़ोर और पसमानदा तबके, यानी कि जो कमज़ोर है और छोटी जाति के लोग हैं, उन्हीं के बातों को अपने, उन्हीं के मसलों को अपने नज़्मों में शामिल किया है। अगला जो है क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है, निदा फाजली ने मशरिक़ व मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की? तो USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद मॉरीशस, इन सभी जगहों में इन्होंने हिंदुस्तानी अदीबों की क्या की? रहनुमाई की, यानी कि नुमाइंदगी की। अगला जो सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, निदा फाजली के शेरी मजमू के नाम लिखें। तो यहाँ पे जो है ये आपके सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन हो गया, निदा फाजली के शेरी मजमू के नाम लिखें। तो लफ्ज़ों का पल, लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियाँ, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, उसका ज़िंदगी की तरफ, ये सभी जो है उनके शेरी मजमू का नाम है। तो यहाँ पर आप इसमें से कुछ इसको ध्यान में रख लेंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा तभी ध्यान में रहेगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निदा फाजली का कौन कौन को कौन कौन से अवार्ड्स मिले? निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले? तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, शिखर सम्मान भी मिला उनको, गालिब अवार्ड भी मिला गया, खुसरू अवार्ड भी मिला और पद्मश्री भी मिला, यानी कि बहुत सारे उनको अवार्ड दिए गए। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको आप काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल समझ लीजिएगा, निदा फाजली को पद्मश्री का अवार्ड कब दिया गया? तो निदा फाजली को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था 2013 ईस्वी में। कब? 2013 ईस्वी में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, खड़ा खड़ा डिनर किसका नज़्म है? तो खड़ा डिनर किसका नज़्म है? तो ध्यान रखेंगे, खड़ा डिनर जो है ये नज़्म है सैयद मोहम्मद जाफरी का। सैयद मोहम्मद जाफरी का जो है नज़्म का नाम है खड़ा डिनर, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई? सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो 1905 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1905 ईस्वी में। अगला, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो ध्यान रखना कहाँ पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? लाहौर में पैदा हुए। अगला सवाल कह रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम बताएं। तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम
क्या था? तो सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफ़री, जाफ़री से पहले अली जोड़ देना, यानी कि सैयद मोहम्मद अली जाफ़री उनके वालिद का नाम था। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत किसके ज़ेरे साया हुई? नहीं, सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत जो है वो किन के ज़ेरे साया हुई? तो सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी के ज़ेरे साया उनकी तालीम व तरबियत हुई। अब बात आती है जो आखिर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी जो है वो सैयद मोहम्मद जाफ़री के कौन थे, क्योंकि उन्हीं के ज़ेर साया में तालीम और तरबियत हुई थी। तो आखिर कौन थे उनके? तो फूफीज़ाद भाई थे, यानी कि फूफीज़ाद भाई थे, यानी कि फुफेरा भाई थे, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, फूफीज़ाद भाई थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सैयद मोहम्मद जाफ़री ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो 1922 ईस्वी में किए। कब किए? 1922 ईस्वी में। अगला आठवां नंबर जो सवाल है वह है, सैयद मोहम्मद जाफ़री ने किस मजामिन में बीएससी किया? किस मजामिन में बीएससी किया? तो नाम ही है बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि किस मजामिन में? तो साइंस मजामिन में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद जाफ़री ने किस मजमून से एमए किया? किस किस मजमून से? तो फ़ारसी और अंग्रेज़ी से। किस से? फ़ारसी और अंग्रेज़ी से, यानी कि पर्सियन एंड इंग्लिश से उन्होंने एमए किया। अगला है, सैयद मोहम्मद जाफ़री कब शबकदोश हुए? शबकदोश जो है वो कब हो गए सैयद मोहम्मद जाफ़री? तो 1966 में वो शबकदोश हो गए, यानी कि वो रिटायर हो गए 1966 में। अगला सवाल जो कह रहा है, सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल हुआ 7 जनवरी 1976 ईस्वी में। कब? 7 जनवरी 1976 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला जो सवाल कह रहा है, अगला सवाल जो है वो है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मज़ाहिया शायरी के मजमूए का नाम बताइए, जिसमें उन्होंने मज़ाहिया शायरी की है। तो वो है शोखी तहरीर, शोखी तहरीर उनके मज़ाहिया शायरी का मजमूआ है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है, नज़्म खड़ा डिनर कितने बंद का नज़्म है? तो इसमें 5 बंद है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने का, काफ़ी इसमें जो है पॉसिबिलिटी है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नज़्म जो है खरा डिनर कितने बंद का नज़्म है? तो 5 बंद का। अगला जो क्वेश्चन है, डिनर किसे कहते हैं? तो डिनर जैसे कि हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं? रात का खाना को। अगला जो है क्वेश्चन वो है नान, नान के मानी क्या होते हैं? तो नान के मानी रोटी होते हैं। क्या होते हैं? रोटी, ध्यान रखेंगे। नान के क्या मानी होते हैं? रोटी होते हैं। पहला नंबर सवाल है, मुर्सिया किस लफ्ज़ से बना है? मुर्सिया जो है किस लफ्ज़ से बना है? तो ध्यान रखना, मुर्सिया जो है वो रेसा शब्द से बना है, रेसा शब्द से, यानी कि रेसा लफ्ज़ से बना है मुर्सिया लफ्ज़। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मुर्सिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? यानी कि मुर्सिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ध्यान रखना है, अरबी ज़बान का है। किस ज़बान का है? अरबी ज़बान का है। अगला है रेसा, रेसा के लुग़वी मानी क्या है? रेसा के लुग़वी मानी क्या है? तो लुग़वी मानी है रोने और मातम करने। इसके जो रेसा के लुग़वी मानी हैं वो क्या हैं? रोने और मातम करने के। अगला सवाल है, जिस नज़्म में किसी मरने वाले के औसाफ़ बयान किए जाएं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्सिया। तो ध्यान रखना, इसको आपको एज ए सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अगला जो है, आरिफ की मौत पर, आरिफ की मौत पर जो है ये क्या है? तो ये मुर्सिया है। क्या है? मुर्सिया है। अगला सवाल कह रहा है, आरिफ की मौत पर के शायर कौन है? आरिफ की मौत पर के शायर कौन है? तो शायर कौन है? गालिब है। कौन है? गालिब। अगला सवाल जो है वो है, गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां था। क्या था? असदुल्ला खां उनका पूरा नाम था। अगला सवाल है, गालिब का शुरू में क्या तखल्लुस था? गालिब का शुरू में क्या तखल्लुस था? तो शुरू में जो उनका तखल्लुस था वो था असद। क्या था? असद। जबकि बाद में क्या हो गया? गालिब हो गया। तो वही चीज़ क्वेश्चन कह रहा है, शुरू में असद था उनका तखल्लुस, और गालिब बाद में क्या तखल्लुस करने लगे? तो जो है बाद में वो गालिब तखल्लुस करने लगे। क्या तखल्लुस करने लगे? गालिब। अगला जो सवाल कह रहा है, गालिब का शाही खिताब क्या था? गालिब का शाही खिताब, यानी कि बादशाह के तरफ से उनको कौन सा खिताब दिया गया था? तो उनको दिया गया था नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क का उनको खिताब दिया गया था, शाही खिताब, यानी कि बादशाह के तरफ से।
अगला जो सवाल है वो है गालिब की पैदाइश कब हुई। गालिब की पैदाइश कब हुई तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1797 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई। वहीं अगर बात करें गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, तो गालिब की पैदाइश कहाँ पे हुई, आगरा में हुई। कहाँ पे? आगरा, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यूपी में है। अगला सवाल है गालिब के वालिद का क्या नाम था, गालिब के वालिद का क्या नाम था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग खां, अब्दुल्ला बेग खां उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग खां। 14 नंबर क्वेश्चन है गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से आए, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से आए, तो ईरान से आए। कहाँ से आए? ईरान से। अगला सवाल गला अब्दुल्ला बेग खां किसके अहद में, किसके शासनकाल में लखनऊ आए, तो आसिफुद्दौला के अहद में, आसिफुद्दौला के दौर में वो जो है कहाँ पे आए थे, लखनऊ आए थे। तो ध्यान रखना किसके शासनकाल में, किसके यहाँ दौर में, किसके अहद में, तो आसिफुद्दौला के। अगला है अब्दुल्ला बेग खां कब मारे गए, अब्दुल्ला बेग खां कब मारे गए, तो 1802 ईस्वी में वो मारे गए। अगला सवाल जो कह रहा है वो है, अगला सवाल कह रहा है अपने वालिद के इंतकाल के वक्त गालिब की उम्र कितनी थी, तो महज सिर्फ और सिर्फ 5 साल थी। अपने वालिद के इंतकाल के वक्त गालिब की उम्र सिर्फ और सिर्फ कितने साल थी, 5 साल थी। तो अब जो है गालिब की उम्र 5 साल थी, तो वो जो है किसके सरपरस्ती में पाला गया, परवेश पाया, तो गालिब किसकी सरपरस्ती में परवेश पाने लगे, तो अपने चचा नसरुल्लाह खां, ध्यान रखना नसरुल्लाह खां जो उनके चाचा थे उन्हीं की सरपरस्ती में उन्होंने परवरिश की। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। आगे सवाल है अपने चाचा की मौत के बाद वह कहाँ का रुख किया, तो फिर उनके चाचा का भी इंतकाल हो गया, तो फिर वो रुख कर लिया रामपुर का। कहाँ पे? रामपुर का रुख कर लिया, रामपुर यूपी में ही है, वहीं का रुख कर लिया। यहाँ पे जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा गालिब की शादी किससे हुई, गालिब की शादी वो हुई थी उमराव बेगम, उमराव बेगम से हुई थी गालिब की शादी, ध्यान रखना है। अगला है गालिब की शादी किस उम्र में हुई, तो सिर्फ़ और सिर्फ 13 साल की उम्र में हुई थी। गालिब की शादी सिर्फ और सिर्फ कितने साल की उम्र में हुई थी, 13 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा गालिब के ससुर का क्या नाम, गालिब के ससुर का क्या नाम है, तो नवाब इलाही बख्श है, नवाब इलाही बख्श है गालिब के ससुर का नाम। गालिब के ससुर का नाम क्या है? नवाब इलाही बख्श। अगला सवाल जो है गालिब का इंतकाल कब हुआ, तो 1869 ईस्वी को गालिब का इंतकाल हुआ, 1797 में पैदाइश हुई और 1869 में उनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है पेश नज़र मुर्सिया गालिब ने किसके मौत पर लिखा, पेश नज़र यहाँ पे जो मुर्सिया है आरिफ की मौत पर, ये किसके मौत पर लिखा गया, तो नाम ही से पता चल रहा है आरिफ की मौत पर, तो किसके मौत पर? आरिफ। अगला सवाल जो है ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ, पूरा नाम था जो है आरिफ का क्या नाम था, ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ इनका जो है गालिब के कौन थे, यानी कि गालिब के साथ क्या रिश्ता था, तो गालिब के ये भांजा थे, गालिब के बहन का बेटा था कौन, ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ। अगला सवाल है जो नज़म किसी की मौत पर कही जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रसाई नज़म कहते हैं या फिर मुर्सिया कहते हैं, रसाई नज़म कहते हैं या फिर उसको मुर्सिया भी कहा जाता है। अगला जो है फलक का जमा बताएं, फलक का जमा होता है अफलाक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फलक का जमा क्या होता है, अफलाक। उसी तरह अगर फ़न का जमा बोलें तो फ़न का जमा क्या हो जाएगा, फ़नून, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ़न का जमा क्या हो जाएगा, फ़नून हो जाएगा। अगला जो है शहीद का जमा बताएं, तो शहीद का जमा क्या हो जाएगा, शहदा, क्या हो जाएगा, शहदा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला मुसनवी अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तक है, यानी कि मुसनवी जो है अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तक है, तो ध्यान रखेंगे सना से है, किससे है, सना, यहाँ पे सना जो है इस तरह लिखा गया है, टाइप इस तरह से टाइप नहीं होने के कारण, असल में सना इस टाइप से होता है, इस टाइप से सना होता है, तो किस लफ्ज़ से मुश्तक है, तो सना से मुश्तक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुसनवी जो है किसकी देन है, तो ध्यान रखना है मुसनवी जो है फ़ारसी की देन है, किसकी देन है, फ़ारसी की देन है। वैसे वे जो है सना से आया है जो कि अरबी लफ्ज़ है, लेकिन ये देन किसकी है, फ़ारसी की देन है। चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है
मुसनवी किसे कहते हैं, मुसनवी किसे कहते हैं? तो मुसनवी नज़्म की वह शक्ल है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदल जाए। तो ध्यान रखना, मुसनवी जो है नज़्म का वह शक्ल है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरा क्या हो, समान हो, यानी कि हम काफिया हो, सेम एक तरह का लगे, लेकिन हर शेर के बाद जो है उसका काफिया क्या हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। यानी कि दो मिसरा सेम होना चाहिए लेकिन अगला फिर मिसरा अलग हो जाना चाहिए, यानी कि एक दो सेम होना चाहिए फिर तीसरा चौथा सेम होना चाहिए, यानी कि एक दो सेम तीसरा चौथा सेम, इस तरह से होना चाहिए। ये चीज़ किसने कहा था? तो ज्ञानचंद ने कहा था, इसको ध्यान रखना। कौन किसने कहा था? ज्ञानचंद ने। तो आपकी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है अरबी में सना। तो जैसे कि मैं बताया, सना इस टाइप से होता है। अरबी में सना के मानी क्या होते हैं? तो सना के मानी होते हैं दो दो। क्या होते हैं? दो दो। अगला सवाल कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कह रहा है शौक लखनवी का असल नाम क्या था। शौक लखनवी का असल नाम क्या था? तो शौक लखनवी का असल नाम था नवाब मिर्ज़ा तसद्दुक हुसैन खान। नवाब मिर्ज़ा तसद्दुक हुसैन खान शौक लखनवी का पूरा नाम था या असल नाम था। चलिए इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला सवाल जो है, शौक लखनवी तखल्लुस क्या करते थे? तो तखल्लुस क्या रखते थे? शौक रखते थे। अगला है, शौक लखनवी की पैदाइश कहाँ हुई, यानी कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। अगला, उनकी पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश हुई थी 1783 ईस्वी में। ध्यान रखना है, कब हुई थी पैदाइश? 1783 ईस्वी में। अगला जो सवाल है, उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम क्या था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके वालिद का नाम क्या था? आगा अली खां। आगा अली खां उनके वालिद का नाम था। अगला जो सवाल है, शौक लखनवी का इंतकाल कब हुआ? तो शौक लखनवी का इंतकाल हुआ 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में। अगला जो है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछा जा सकता है या फिर सब्जेक्टिव में, शौक लखनवी के कुछ मसनवियों के नाम बताएं। तो यहाँ पे दे सकता है, जो इनमें से कौन शौक लखनवी का मसनवी नहीं है। तो ऑप्शन में ये तीन ऑप्शन रहेगा और चार कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पे आपको टिक लगा लेना है। जब आपको ये याद रहेगा तभी आप टिक लगा पाएंगे। तो शौक लखनवी के मसनवी का नाम है जहरे इश्क बहारे इश्क फरेब इश्क, यानी कि लास्ट में इश्क जिसमें भी रहेगा तो लगभग वो शौक लखनवी का ही क्या है, वो मसनवी है। तो ध्यान रखेंगे आप इसको, आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे ताकि आपको दो दो फ़ायदा हो जाएगा, आपका राइटिंग भी बनेगा और प्लस याद भी रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा था तबाबत का। तबाबत मतलब हकीमी या फिर डॉक्टरी का, यानी कि इलाज करने का, हकीमी या डॉक्टरी का था, उसी को तबाबत बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है, इस मसनवी में किस लड़की का तस्करा किया गया है? तो ध्यान रखना है, इस मसनवी में जो है सौदागढ़ की लड़की का तस्करा किया गया है, यानी कि सौदागढ़ की लड़की का इसमें तस्करा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर है, ज़ेर निसाब मसनवी आगाज़ दास्तां। मिर्ज़ा शौक की किस मसनवी का एक इक्तबास है? तो यह है जहर इश्क। ध्यान रखना है, जहर इश्क। अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है शौक लखनवी के ज़माने में लखनऊ में किसकी हुकूमत थी? तो शौक लखनवी के ज़माने में लखनऊ में जो है वो नवाब वाजिद अली शाह की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? नवाब वाजिद अली शाह की। ध्यान रखना है इसको। अगला जो सवाल है, शौक लखनवी नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में किस हैसियत से थे? तो शाही मुआलिज की हैसियत से, यानी कि डॉक्टरी के हैसियत से थे, यानी कि इलाज के हैसियत से थे। शाही डॉक्टर के, बादशाह के द्वारा जो डॉक्टर रखा जाता है उसी की हैसियत से वो वाजिद अली शाह के दरबार में थे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके और सब्जेक्टिव के लिए, बोल रहा है इस्म की तारीफ़ बयान कीजिए। तो किसी भी आदमी, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। फवायद के अतबार से इसमें कलमा की क्या है? एक किस्म है। तो ध्यान रखेंगे इसको आप, जैसे मैं देख लेते हैं, जैसे दिल्ली जगह का नाम है, मोबाइल किसी चीज़ का नाम है, हिमालय किसका नाम है, पहाड़ का नाम है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा। अगला जो सवाल है, मौनी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो मौनी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, इस्म मारफा और इस्म नकेरा। तो ध्यान रखना है, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस्म मारफा से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा इस्म जिससे किसी ख़ास आदमी, जगह या चीज़ का
के नाम का पता चले तो उसी को क्या बोलते हैं, इस्म मुअरफा बोलते हैं। जैसे अन्ना हज़ारे कोई ख़ास आदमी है, मुंबई कोई ख़ास जगह है, गंगा कोई ख़ास नदी है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, इस्म मुअरफा हो जाएगा। वहीं पे बात करें इसमें नकेरा की, तो इससे आप क्या समझते हैं, तो ऐसा इसमें जिससे आम लोगों, जगहों या चीज़ों का के नाम का पता चले और अपनी नौयत के तमाम किस्मों पर सादिक आए, यानी कि अपनी तमाम जाति के लिए एक ही उसी ऊपर सादिक आए, तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें नकेरा बोलते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि नदी, तो नदी जब भी बोलेंगे तो नदी में कोई एक नदी नहीं आएगा, नदी में सभी नदियाँ जाएंगे। पहाड़ बोलेंगे तो उसमें कोई एक पहाड़ नहीं आएगा, उसमें सारे पहाड़ आ जाएंगे, लेकिन पहाड़ का अगर नाम बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मुअरफा हो जाएगा। उसी तरह से गांव में सारे गांव आ जाएंगे, लेकिन कोई अगर गांव का नाम बता दें तो फिर वो क्या हो जाएगा, इसमें मुअरफा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, कुछ मुसनवी निगारों के नाम बताएँ। तो जैसे कि मिर्जा शौक़ लखनवी मुसनवी निगार हैं, दयाशंकर नसीम मुसनवी निगार हैं, मीर हसन भी मुसनवी निगार हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला, हसीन का ज़िद बताएं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हसीन का ज़िद बताएं, तो हसीन का ज़िद कभी होता है, क्या होता है, कभी, ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला जो सवाल है, सवाल ये है, अर्ज़ का ज़िद बताएं, तो अर्ज़ का क्या होता है, समा होता है, क्या होता है, समा, अर्ज़ का ज़िद क्या होता है, समा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आला का ज़िद बताएं, तो आला का जानते होंगे क्या होता है, अदना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नसीम का असल नाम क्या था, तो नसीम का असल नाम था पंडित दयाशंकर कोल, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नसीम का असल नाम क्या था, तो पंडित दयाशंकर कोल था। अगला सवाल जो है वो है, दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम क्या था, तो गंगा प्रसाद कोल था, पंडित गंगा प्रसाद कोल था दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम। अगला जो सवाल जो है वो है, गंगा प्रसाद कोल क्या थे, तो वो कश्मीरी पंडित थे, यानी कि कश्मीरी ब्राह्मण थे, तो यानी कि बोलेंगे उसको क्या, कश्मीरी पंडित थे, तो ध्यान रखना है इसको। अगला है, नसीम की पैदाइश कब हुई, तो नसीम की पैदाइश कब हुई, तो 1811 ईस्वी में हुई, 1811 ईस्वी में नसीम की पैदाइश हुई, तो ध्यान रखेंगे इसको आप। अगला सवाल है, नसीम का इंतकाल कब हुआ, तो 1845 ईस्वी में हुआ, 1811 में उसका पैदाइश हुई, उसकी पैदाइश, और 1845 में उसका इंतकाल हो गया। तो नसीम का इंतकाल कितनी साल की उम्र में हुआ, तो नसीम का इंतकाल कितने साल हो गया, तो 34 साल हो गया है, तो ध्यान रखना आपको। अगला है, दयाशंकर नसीम की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी कि दयाशंकर नसीम कहाँ पैदा हुए, तो वो लखनऊ में हुए, कहाँ पे, लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, नसीम की इब्तदाई तालीम किस में हुई, तो नसीम की इब्तदाई तालीम जो है वो उर्दू और फारसी में हुई, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे तो वहाँ का माहौल ही ऐसा था, उर्दू और फारसी में हुई उसकी इब्तदाई तालीम। अगला सवाल है, नसीम के वक्त लखनऊ में किस बादशाह का ज़माना था, यानी कि जब नसीम का वक्त था तो उस वक्त लखनऊ में किस बादशाह का ज़माना था, तो नवाब अमजद अली शाह का ज़माना था, ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला सवाल है, नसीम किसके शागिर्द थे, तो नसीम जो है वो शागिर्द थे किसके, शायरी में आतिश लखनवी के, आप इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, उर्दू की अहम तरीन मुसनवियों में नसीम का कौन सा मुसनवी शामिल है, तो उर्दू की अहम तरीन मुसनवी में जो है गुलजार नसीम का जो है ये मुसनवी शामिल है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला जो है, ज़ेर निसाब मुसनवी में किस वाक़े को नज़्म किया गया है, तो इसमें जो है ज़ैनुल मुलूक और गुल बकाउली के वाक़ा को इसमें नज़्म किया गया है। अगला सवाल है, पंडित दयाशंकर कोल का क्या तसल्लुक़ रखते थे, तो वो नसीम तसल्लुक़ रखते थे, क्या रखते थे, नसीम, ध्यान रखना आप उसको। नंबर क्वेश्चन है, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का असल नाम क्या था, तो जानते हैं जो कभी कभी पूछ दिया जाता है पूरा नाम और असल नाम बोर्ड एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का असल नाम क्या था, तो सिर्फ़ और सिर्फ था गुलाम हमदानी, असल नाम गुलाम हमदानी था और पूरा नाम था गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, तो ध्यान रखना, असल नाम गुलाम हमदानी और पूरा नाम गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। अगला है, गुलाम हमदानी तखल्लुस क्या रखते थे, तो तखल्लुस रखते थे मुसहफ़ी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तीसरा नंबर सवाल है, ज़ेर-ए-निसाब मुसनवी जज़्बे-ए-इश्क
इश्क किसकी तसनीफ़ है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो जज्बा इश्क है मुसनवी, ये किसकी है? ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी की है, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी की तसनीफ़ है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है। बोल रहा है ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश कब हुई, ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश कब हुई? तो ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश भी ध्यान रखना 1748 ईस्वी में। कब? 1748 ईस्वी में। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे आपको काफ़ी यूज़फुल होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश हुई थी अमरोहा में। कहाँ पे? अमरोहा, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है अमरोहा। तो ध्यान रखना ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश कहाँ हुई, तो अमरोहा में। अगला, मुसहफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? तो ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी की के वालिद जो थे वो अकबरपुर के रहने वाले थे, अकबरपुर यूपी में ही पड़ता है, तो ध्यान रखना अकबरपुर के रहने वाले थे। सेवन नंबर का सवाल है, मुसहफ़ी टांडा में किसके मुलाजिम हुए? टांडा एक जगह का नाम है, तो मुसहफ़ी जो है टांडा में किसके मुलाजिम हुए, यानी कि किसके यहाँ नौकरी करने लगे? तो जो इसका आंसर होगा नवाब मोहम्मद यार खां के यहाँ। कहाँ पे? नवाब मोहम्मद यार खां के यहाँ। चलिए अगला सवाल है, मुसहफ़ी लखनऊ में किसके मुलाजिम हुए, यानी कि लखनऊ में जो है मुसहफ़ी किसके मुलाजिम हुए? तो शहजादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह के, शहजादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह के मुलाजिम हुए। अगला जो सवाल है, मुसहफ़ी के शागिर्दों के नाम बताएं, तो इम्पोर्टेंट सवाल है। मुसहफ़ी के शागिर्द जो है मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी, जो कि ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है, मीर सॉरी आतिश लखनवी और असीर, ये सब जो है मुसहफ़ी के शागिर्द हैं। तो आतिश किसके शागिर्द हैं? तो मुसहफ़ी के शागिर्द हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल जो है मुसहफ़ी की सबसे मशहूर मुसनवी का नाम बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो है, मुसहफ़ी की सबसे मशहूर मुसनवी का नाम बताएं। तो बहरुल मोहब्बत, बहरुल मोहब्बत ये जो है मुसहफ़ी की सबसे मशहूर मुसनवी का नाम है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी के मुसनवियों के नाम बताएं। तो ध्यान रखना है उनके मुसनवी का नाम, सर्दी, तुफले हज्जाम, अजवाइन, गरीब खाना मुसहफ़ी, मोदी खाना, खटमल खाना वगैरह, ये सब उनके मुसनवियों के नाम है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला जो सवाल कह रहा है, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी का इंतकाल कब हुआ? तो ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी का इंतकाल हुआ था 1824 ईस्वी में, ध्यान रखना 1824 ईस्वी में। अगला जो सवाल है, मुसनवी जज्बे इश्क में किसकी कहानी है? तो इस मुसनवी में जो है दिल्ली के एक रईस ख़ानदान के एक नौजवान के इश्क व मोहब्बत की कहानी है। तो दिल्ली का एक रईस ख़ानदान का एक नौजवान है, उसी के इश्क व मोहब्बत की कहानी इसमें है, जज्बे इश्क में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल जो है वो कह रहा है मुसहफ़ी की ज़ेर निसाब मुसनवी का उनवान क्या है? तो इसका जो उनवान है आगाज़ दास्तान है। क्या है? आगाज़ दास्तान। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल जो कह रहा है, कह रहा किसने मुसनवी को उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा कारआमद सन्फ करार दिया है? किसने मुसनवी को उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा कारआमद सन्फ करार दिया है? तो ध्यान रखना हाल ही ने, किसने किया दिया? हाल ही ने। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। बोल रहा है उर्दू की पहली मुसनवी का नाम क्या है? उर्दू की पहली मुसनवी का नाम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उर्दू की पहली मुसनवी का नाम क्या है? तो उर्दू की पहली जो मुसनवी का नाम है वो है कदमराव पदमराव, कदमराव पदमराव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कदमराव पदमराव, उर्दू की पहली मुसनवी का नाम क्या है? कदमराव पदमराव। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल कह रहा है कदमराव पदमराव जो कि उर्दू की पहली मुसनवी है, किसकी मुसनवी है? तो ध्यान रखना है फ़ख्रुद्दीन निज़ामी की। किसकी है? फ़ख्रुद्दीन निज़ामी की मुसनवी है, तो ध्यान रखेंगे आप। नंबर क्वेश्चन जो है, मतला किसे कहते हैं? आपके सब्जेक्टिव के लिए यह क्वेश्चन है, मतला किसे कहते हैं? तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों उसे मतला कहते हैं, यानी कि गज़ल का पहला शेर को ही क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछा जाएगा तो गज़ल का पहला शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। और अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे क्या हो, हम काफ़िया हो मतलब समान हो, एक तरह का हो, उसी को क्या बोलते हैं? मतला बोलते हैं। तो ध्यान रखना है आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल जो है वो है मतला सानी, मतला सानी या हसन मतला किसे कहते हैं? तो गज़ल के दूसरे मतला को मतला सानी या हसन मतला कहा जाता है, यानी कि गज़ल के पहला मतलब इसको मतला को तो मतला बोलते हैं और दूसरा मतला को मतला सानी बोलते हैं या फिर इसी को हसन मतला कहा जाता है, ध्यान रखना है।
अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है मतलब सालिस किसे कहते हैं, मतलब सालिस किसे कहते हैं, तो गज़ल के तीसरे मतलब को मतलब सालिस कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है मक्ता किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, तो गज़ल का आखिरी शेर को क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। एक सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा लिखना है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे ही क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। शायर जो अपना तखल्लुस जिसमें इस्तेमाल करता है उसी को क्या बोलते हैं, मक्ता बोलते हैं, और ये गज़ल के आखिरी शेर में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है गज़ल में कम से कम कितने अशआर होने चाहिए, तो गज़ल में कम से कम 5 अशआर होने चाहिए। ध्यान रखना गज़ल में कम से कम कितने अशआर होने चाहिए, 5 अशआर होने चाहिए। अगला सवाल है गज़ल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अशआर होने चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 19 अशआर हो सकता है इसमें, और कम से कम 5, ध्यान रखना इसको। अगला जो है मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई, तो ध्यान रखना 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को, यानी कि लगभग 90 ईयर्स वो इस दुनिया में रहे। यानी कि मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1869 और उनका इंतकाल 12 दिसंबर 1958, तो ध्यान रखना है इसको। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला उन्होंने कितने बरस शेर व शायरी में गुजारी, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा लगभग वो 90 बरस तक वो इस दुनिया में रहे, तो 90 बरस में से 70 बरस तक वो शेर व शायरी में ही गुजारी अपनी ज़िंदगी का। चले अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी ताजपुर में। कहाँ पे, ताजपुर जो कि दरभंगा जिला का एक शहर है, ताजपुर वहीं पे उनकी पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था, तो उनके वालिद का नाम था फिदा हुसैन वामिक। ध्यान रखना है मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम फिदा हुसैन वामिक था, फिदा हुसैन वामिक, ध्यान रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुबारक अजीम आबादी के वालिद किन के शागिर्द थे, तो ध्यान रखना है मुबारक अजीम आबादी के वालिद जो है फिदा हुसैन वामिक, वो सैयद हसन हसरत के शागिर्द थे, सैयद हसन हसरत के शागिर्द थे। अगला जो है सवाल कह रहा है फिदा हुसैन वामिक जो कि मुबारक अजीम आबादी के वालिद थे का ताल्लुक़ किस सूफ़ी के औलाद में से है, तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जो है औलादों में से उनके यानी फिदा हुसैन वामिक का ताल्लुक है, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के औलादों में से, तो ध्यान रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुबारक अजीम आबादी किस सूफ़ी से बैत का शर्फ़ हासिल किया, तो मुबारक अजीम आबादी जो है वह हज़रत मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन कुद्दुस सज्जादा नशी खानकाह मुजीबिया, तो मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन से ही उन्होंने बैत का शरफ हासिल किया, तो ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है वो है मुबारक अजीम आबादी किस सिलसिले में बैत का शरफ हासिल किए, तो कादरिया सिलसिले में उन्होंने बैत किया, कादरिया सिलसिले में, तो ध्यान रखना है इसको। अगला जो सवाल है वो है मुबारक अजीम आबादी की तब से मुतालिक फ़ारसी की दो किताब कौन कौन सी है, तब से मुतालिक फ़ारसी की दो किताब है मीज़ानुत तब और तबुल कबीर, तो ध्यान रखना है इसको। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है उन्होंने कितने साल तक होम्योपैथी की तालीम हासिल की, तो उन्होंने जो है 6 साल तक होम्योपैथी की तालीम हासिल की, तो ध्यान रखना है इसको। अगला सवाल जो है वह मुबारक अजीम आबादी शम्सुल उलमा इमदाद इमाम असर के कौन थे, तो भांजी दामाद थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल जो है वह है फ़ारसी में मुबारक अजीम आबादी किन से इस्लाह लेते थे, यानी कि फ़ारसी में जो है मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे, तो हकीम अब्दुल हमीद परीशां थे, उनके फ़ारसी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद थे। वहीं पे अगर हम बात करें उर्दू में, तो उर्दू में मुबारक अजीम आबादी किन के शागिर्द हुए, तो वो दाग दहलवी के हुए, ध्यान रखना दाग दहलवी के वो शागिर्द हुए। आगे मुबारक अजीम आबादी कब दाग दहलवी के शागिर्द हुए, तो 1892 ईस्वी में, ध्यान रखना 1892 ईस्वी में वो दाग दहलवी के शागिर्द हुए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है
दाग दहलवी की विशाल कब हुई, दाग दहलवी की विशाल कब हुई यानी कि इंतकाल कब हुई, तो 1905 ईस्वी में हुई, कब हुई 1905 ईस्वी में हुई। अगला सवाल देख लेते हैं, जलवे दाग किनकी शेरी मजमुआ है, जलवे दाग किनकी शेरी मजमुआ है, तो ध्यान रखना जलवे दाग जो है वो मुबारक अजीम आबादी का शेरी मजमुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, जलवे दाग कब शाये हुआ, जलवे दाग कब शाये हुआ, तो 1951 ईस्वी में हुआ, कब हुआ जलवे दाग शाये, तो 1951 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला है, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी को 100 रुपये, ध्यान रखना 100 रुपये माहवार वजीफ़ा कब मुकर्रर किया, तो 1954 ईस्वी में, कब किया 1954 ईस्वी में, कितना रुपया 100 रुपये माहवार यानी कि एक माह में 100 रुपया वजीफ़ा के तौर पर देते थे हुकूमत हिंद ने, 1954 में ये चीज़ मुकर्रर किया गया था। क्वेश्चन है, अहमद फ़िराज़ की पैदाइश कब हुई, अहमद फ़िराज़ की पैदाइश कब हुई, तो ध्यान रखना 1933 ईस्वी में, अहमद फ़िराज़ की पैदाइश जो है वो कब हुई 1933 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है अहमद फ़िराज़ की पैदाइश कहाँ हुई, तो अहमद फ़िराज़ की पैदाइश हुई थी पेशावर में, कहाँ पे हुई थी पेशावर में, ध्यान रखना है पेशावर कहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान में, कहाँ पे पाकिस्तान में, पेशावर पाकिस्तान में अहमद फ़िराज़ की पैदाइश हुई थी। अगला जो सवाल है वो है, किस यूनिवर्सिटी ने अहमद फ़िराज़ को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी डिग्री से नवाजा, तो ये जो है कराची यूनिवर्सिटी ने अहमद फ़िराज़ को डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर की एजाज़ी डिग्री से नवाजा था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चले अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल कह रहा है माहनामा इश्तिया, इश्तिया की ये जो है माहनामा शाये होता था और दास्तान और इश्तिया और दास्तान माहनामा शाये होता था और हफ्तावार जो है खादिम ये हफ्तावार यानी कि 7 दिन में एक बार यह शाये होता था, यह किसकी इदारत में शाये हुआ, तो अहमद फ़िराज़ की इदारत में ये सब शाये होता था। अगला सवाल जो है वो है, अहमद फ़िराज़ किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर्स भी रहे, तो ध्यान रखना है पेशावर यूनिवर्सिटी में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो अहमद फ़िराज़ किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, तो ध्यान रखना है किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान, नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हुए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल है अहमद फ़िराज़ ने दरभंगा के मुशायरे में कब तशरीफ़ लाए, तो ध्यान रखना है अहमद फ़िराज़ थे पाकिस्तान के और दरभंगा बिहार के मुशायरे में शामिल हुए थे, कब ध्यान रखना 2009 ईस्वी में, कब 2009 ईस्वी में। अगला जो सवाल है वो उनके शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं, तो उनके शायरी के 12 मजमूए शाये हो चुके हैं, कितने मजमूए शाये हो चुके हैं 12, ध्यान रखना आप इसको। अगला जो सवाल है वो है उनके कुछ शायरी मजमुओं के नाम बताएं, तो जैसे 12 मजमूए शाये हुए हैं उनमें से कुछ का यहाँ पे नाम है जो कि आपको ध्यान रखना है, वह तनहा तनहा शब खून मेरे ख्वाब रेजा रेजा दर्द आशूब नाबीना शहर में आईना, ये सब उनके शायरी मजमुओं का नाम है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है 1987, ध्यान रखना 1987 में यूनिवर्सिटी अल ऐन ने अहमद फ़िराज़ के कलाम को किस नाम से 4 जिल्दों में शाया किया, तो 1987 में एहसासा नाम से, एहसासा नाम से, तो ध्यान रखेंगे। अगला जो है अहमद फ़िराज़ किस मिजाज के शायर थे, तो अहमद फ़िराज़ रूमानी मिजाज के शायर थे, ध्यान रखना रूमानी मिजाज। अगला जो क्वेश्चन है वो अहमद फ़िराज़ की पहली गज़ल जो है उसमें कितने अशआर हैं, तो 5 अशआर हैं, जैसे कि मैंने बताया था गज़ल में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 अशआर हो सकता है, तो ध्यान रखना है इसको, अहमद फ़िराज़ के पहले गज़ल में कितने अशआर थे, हाँ तो 5 अशआर हैं, और वहीं पे अगर दूसरे गज़ल की बात करें तो अहमद फ़िराज़ की दूसरी गज़ल में कितने अशआर हैं, तो 8 अशआर हैं, ध्यान रखना 8। अगला जो सवाल है गज़ल अरबी के किस सनफ से माखूज है, तो गज़ल अरबी के कसीदा से माखूज है, कसीदा से माखूज है, ध्यान रखना है। अगला सवाल कह रहा है जिस गज़ल में रदीफ न हो उसे क्या कहते हैं, तो गैर मुरद्दफ गज़ल बोलते हैं, गैर मुरद्दफ गज़ल उसको कहा जाता है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ रहा है दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुंची, यानी कि उत्तरी भारत तक, दक्षिण भारत के किस शायर के ज़रिए उत्तरी भारत तक उर्दू गज़ल पहुँची, तो वली दक्कनी के ज़रिए, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो उसको मतला कहते हैं, और गज़ल के दूसरे मतले को मतला सानी कहा जाता है या हसन मतला, और तीसरे गज़ल के मतले, गज़ल के तीसरे मतले को मतला सालस कहा जाता है, ध्यान रखना है इसको।
अभी अगर बात करें तो गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है हक का ज़िद बताएं। तो हक का ज़िद जानते होंगे, उल्टा क्या होता है? बातिल होता है। अभी अगर नशीब का ज़िद बोलेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नशीब का ज़िद क्या हो जाएगा? फिराज। क्या हो जाएगा? फिराज। अगला जो सवाल है वो क्या है, अगला सवाल है कसरत। कसरत का ज़िद क्या होता है? तो कसरत का होता है किल्लत, ध्यान रखना, किल्लत होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ज़ियाँ। ज़ियाँ का ज़िद क्या होता है? तो मुनफ़ात होता है, ध्यान रखना, मुनफ़ात ज़ियाँ का ज़िद होता है। तो दोस्तों, हसन नईम का असल नाम क्या था? हसन नईम का असल नाम क्या था? तो हसन नईम का असल नाम था सैयद हसन, ध्यान में रखना है। हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हसन था। क्या था? सैयद हसन। हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हसन था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हसन नईम की पैदाइश कब हुई? हसन नईम की पैदाइश कब हुई? तो हसन नईम की पैदाइश हुई 6 जनवरी 1924 ईस्वी को, ध्यान में रखना है, 6 जनवरी 1924 ईस्वी को हसन नईम की पैदाइश हुई थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? हसन नईम की पैदाइश जो है वो पटना में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पटना में, ध्यान रखेंगे। अगला जो है हसन नईम का सिलसिला किन के वास्ते हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन तक पहुंचता है? यानी कि हसन नईम का सिलसिला जो है किसके वास्ते जो है हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन तक पहुंचता है? तो हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के, हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन तक उनका सिलसिला पहुँचता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हसन नईम दिल्ली के किस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुए? हसन नईम जो है वो दिल्ली के किस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुए? तो वो गालिब इंस्टीट्यूट के, किस इंस्टीट्यूट के? गालिब इंस्टीट्यूट के, ध्यान में रखना, कहाँ पे है? गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। अगला जो है हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? तो हसन नईम का इंतकाल हुआ था 22 फरवरी 1991 ईस्वी को, यानी कि 22 फरवरी 1991 ईस्वी को। अगला जो है हसन नईम का इंतकाल कहाँ हुआ? तो हसन नईम का इंतकाल हुआ मुंबई में। कहाँ पे हुआ? मुंबई में। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि इससे आपका राइटिंग भी बनेगा, प्लस आपको याद भी रहेगा, रिवीजन करने में भी आसानी होगी। आगे हसन नईम इब्तदा में यानी कि शुरुआत में फ़नी और उरूजी निकात किन से सीखे थे? तो शुरुआत में वो सीखे थे फसीहुद्दीन बलखी से, फसीहुद्दीन बलखी, ध्यान रखना नाम को। अगला जो है क्लासिकी शायरी की जान किसे समझी जाती है? तो क्लासिकी शायरी की जान समझी जाती है दर्दमंदी और हुस्न इश्क, यानी कि हुस्न इश्क दर्दमंदी अगर रहेगा तो वही क्लासिकी शायरी में आएगा, क्योंकि यही उसकी क्या है? जान है। अगला जो सवाल है वो है हसन नईम के पहले गज़ल में कितने अशआर हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया जो इसमें जो है दो गज़ल हैं, तो हसन नईम का जो पहला गज़ल है उसमें 5 अशआर है। कितने अशआर हैं? 5। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला जो हसन नईम के दूसरे गज़ल में कितने अशआर हैं? तो दूसरे गज़ल में 7 अशआर हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ जो गज़ल में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 19 अशआर हो सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हसन नईम किस मुलाजमत से मुस्तफ़ी हुए? तो हसन नईम जो है वजारत खारजा से मुस्तफ़ी हो गए थे। अगला जो है सवाल हसन नईम किन किन की शायरी से मुतासिर थे? तो हसन नईम जो है गालिब दहलवी की शायरी से मुतासिर थे और मोमिन खान मोमिन की शायरी से मुतासिर थे। शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल जो है वो है परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? तो परवीन शाकिर की पैदाइश हुई 24 नवंबर 1952 ईस्वी को, ध्यान रखना है, 24 नवंबर 1952 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? तो परवीन शाकिर की पैदाइश हुई कराची पाकिस्तान में। कहाँ पे हुई थी? कराची, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको फ़ायदा होगा, इससे आपको राइटिंग भी बनेगा, प्लस आपको याद भी रहेगा। अगला सवाल है परवीन शाकिर के असलाफ कहाँ से, कहाँ के रहने वाले थे? यानी कि उसके जो है आबा अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? तो परवीन शाकिर के जो है असलाफ जो है वो रहने वाले थे लहड़िया सराय। लहड़िया सराय कहाँ पे है? दरभंगा के नज़दीक एक मोहल्ला है चंदपट्टी, वहीं के रहने वाले थे। ठीक है, दरभंगा यानी कि दरभंगा जो ज़िला है बिहार में, उसके नज़दीक है एक मोहल्ला चंदपट्टी, वहीं के रहने वाले थे। तो आपको इसमें लहड़िया सराय भी दे सकता है, दरभंगा भी दे सकता है, फिर चंदपट्टी भी दे सकता है। तो तीनों में से कोई भी देगा तो उसको टिक कर देना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम क्या था?
तो उनके वालिद का नाम जैसे कि आप देख पा रहे हैं सैयद साकिब हुसैन था, सैयद साकिब हुसैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था? सैयद साकिब हुसैन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है उनके वालिद क्या तखल्लुस रखते थे? ध्यान रखना उनके वालिद का नाम था सैयद साकिब हुसैन, लेकिन वो ताल्लुक रखते थे शाकिर। क्या रखते थे? शाकिर, जिसके कारण से परवीन का नाम क्या हो गया? परवीन शाकिर हो गया। अगला सवाल जो कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया? परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया? तो परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किया रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से, रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। चले अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है उन्होंने बीए की डिग्री कहाँ से हासिल की? उन्होंने बीए की डिग्री कहाँ से हासिल की? ग्रेजुएशन कहाँ से की? तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। कहाँ से? सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से, ध्यान रखना है। अगला जो है उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और लसानियात में एमए किया? लसानियात मतलब होता है लिंग्विस्टिक, यानी कि ज़बानों का साइंसी तौर पर जो है पढ़ाई करना, उसी को क्या बोलते हैं? लसानियात बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लिश में बोलते हैं लिंग्विस्टिक। तो उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी और लसानियात में एमए किया? तो ध्यान रखना है उन्होंने एमए जो है अंग्रेज़ी में भी किया और लसानियात में भी किया। लसानियात मतलब लिंग्विस्टिक, यानी कि ज़बानों का अध्ययन साइंटिफिक तरीके से। तो उसमें एमए किया किस यूनिवर्सिटी से? ध्यान रखना है कराची यूनिवर्सिटी से। किस किस में किया? अंग्रेज़ी और लसानियात में, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। उन्होंने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की? उन्होंने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की? तो उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की 1971 ईस्वी में, ध्यान रखना कब? 1971 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल किया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल उनके तहकीकी मुकाले का उनवान क्या था? यानी कि जब भी पीएचडी करते हैं तो उनमें से कोई एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे हमको लिखना रहता है। तो उसका जो उनवान था जंग में ज़राए और इबलाग का किरदार, जंग में ज़राए और वो इबलाग का किरदार, ये जो है उसका जो है क्या था? उनवान था पीएचडी में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया? उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया? तो आप लोग बताएंगे, आंसर बताएंगे। तो उन्होंने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है, कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहीं से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया? एमए किया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला, परवीन शाकिर ने कहाँ अंग्रेज़ी लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत की? तो अंग्रेज़ी लेक्चरर की हैसियत से अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में वो मुलाजमत की। अगला जो सवाल कह रहा है वो वहाँ उन्होंने कितने बरस तक दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी? तो वहाँ उन्होंने यानी अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में वो 9 बरस तक दर्स व तदरीस दी, यानी कि वहाँ पर टीचिंग की। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बोल रहा परवीन शाकिर सिविल सर्विस का इम्तिहान पास कर क्या बनी? तो कस्टम कलेक्टर बनी, ध्यान रखना है। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी वो पास की थी और उसमें क्या बनी थी? वो कस्टम कलेक्टर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? तो उनके खालाजाद भाई था जिसका नाम था डॉक्टर नसीर अली, उन्हीं से उनकी शादी हुई, लेकिन फिर बाद में उनका क्या हो गया? तलाक हो गया। आगे जो है परवीन शाकिर के लड़के का क्या नाम है? तो उनसे एक लड़का भी था जिसका नाम था सैयद मुराद अली। क्या नाम था? सैयद मुराद अली। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है परवीन शाकिर अपने शौहर से तलाक कब ली? तो जैसे कि मैंने बताया तो अपने शौहर से वो तलाक ले ली 1989 में, यानी कि 1989 में वो अपने शौहर से तलाक ले ली। अगला जो सवाल है परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ? तो परवीन शाकिर का इंतकाल हुआ 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को, ध्यान रखना 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को। अगला सवाल है उन्होंने कितने बरस की उम्र पाई? तो उन्होंने 42 बरस की उम्र पाई, ये उसको कितने बरस तक वो इस दुनिया में रही? तो 42 बरस तक। अगला जो सवाल है उन्होंने शायरी में कितना वक्त गुजारी? तो शायरी में वो जो है 42 बरस वो जिंदा रही, तो उनमें से 27 बरस जो है वो शायरी में गुजारी। अगला जो सवाल है वो है उन्होंने शायरी कब शुरू की थी? तो उन्होंने शायरी शुरू की थी 15 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में। अगला जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है परवीन शाकिर का मजमुआ का क्या नाम है? परवीन शाकिर के मजमुआ का क्या नाम है? तो खुशबू है। क्या नाम है? क्या मजमुआ का नाम है? खुशबू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परवीन शाकिर के मजमुआ का क्या नाम है? खुशबू है। क्या है? खुशबू, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है खुशबू कब शाया हुआ? तो परवीन शाकिर का जो मजमुआ का नाम है खुशबू, वो कब शाया हुआ? तो 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला जो है
अगला है सदैव बोडो कब शाया हुआ, सदैव बोडो कब शाया हुआ, तो 1981 में, ध्यान रखना 1981 में। अगला जो है खुद कलामी, खुद कलामी कब शाया हुआ, तो खुद कलामी शाया हुआ 1984 ईस्वी में। वहीं पे अगर बात करें इनकार और माह तमाम कब शाया हुआ, तो 1990 ईस्वी में ये शाया हुआ। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वह परवीन शाकिर के पहले गज़ल में कितने अशआर हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया परवीन शाकिर का दो गज़ल है, तो उनमें पहला जो गज़ल है उनमें 8 अशआर है, कितने अशआर हैं, 8, ध्यान रखना है। और उनके दूसरे गज़ल में कितने अशआर हैं, तो उनके दूसरे गज़ल में 7 अशआर हैं, कितने अशआर हैं, 7, ध्यान रखना है, पहले में 8। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था, तो इरफान सिद्दीकी का नाम था इरफान अहमद सिद्दीकी, इरफान अहमद सिद्दीकी यह उनका असल नाम था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई, तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी 8 जनवरी 1939 ईस्वी को, 8 जनवरी 1939 ईस्वी को इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ, तो इंतकाल हुआ जो है 16 मार्च 2004 ईस्वी को, 16 मार्च 2004 ईस्वी को इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ, तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ, तो ध्यान रखना ब्रेन ट्यूमर की वजह से इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ। अगला जो सवाल है वह इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई, तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश बदायूं के मोहल्ला सोथा में, बदायूं के मोहल्ला सोथा में इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई, बदायूं के मोहल्ला सोथा में, चलिए ध्यान रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो वह जो है शेख सिद्दीकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे कि आप नाम के लास्ट में सिद्दीकी देख रहे होंगे, तो वह किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, शेख सिद्दीकी ख़ानदान से। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोल रहा है उनके वालिद का नाम क्या था, तो उनके वालिद का नाम था मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी हलाली बदायूनी, मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी हलाली बदायूनी उनके वालिद का नाम था। अगला जो है उनके वालिद पेशे से क्या थे, तो उनके वालिद पेशे से, ध्यान रखना, वकील थे, क्या थे, वकील थे उनके वालिद पेशे से। अगला जो सवाल कर रहा है उनके वालिद का इंतकाल कब हुआ, तो उनके वालिद का इंतकाल हुआ 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अगला है इरफान सिद्दीकी के यहाँ कितने नस्लों से शेर व अदब की आबियाड़ी हो रही थी, यानी कि कितने नस्लों से जो है शेर व अदब की जो आबियाड़ी उनके यहाँ हो रही थी, तो 3 नस्लों से, यानी कि उनके दादा भी शायर थे, उनके अब्बा भी, और वो भी शायर ही थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो है उनके दादा का नाम क्या था, तो उनके दादा का नाम था मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी उनके दादा का नाम था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इरफान सिद्दीकी के भाई का नाम क्या था, तो इरफान सिद्दीकी के भाई का नाम था नियाज सिद्दीकी, क्या था, नियाज सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन जो है वो इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, तो इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया 1953 ईस्वी में, ध्यान रखना 1953 ईस्वी में इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। आप इन सभी को नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगला जो सवाल है वह है उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान कब पास किया, तो 1955 में किया, कब किया, 1955 में। और उन्होंने बीए का इम्तिहान कब पास किया, तो 1957 ईस्वी में, ध्यान रखना है। और अगला उन्होंने एमए कब किया, तो 1959 ईस्वी में उन्होंने एमए किया, तो ध्यान रखना है इसको। यहाँ पे सारा कुछ 2-2 साल के गैप में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ध्यान देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान 1953 में पास किया, इंटरमीडिएट 1955, बीए 1957 और एमए 1959, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2-2 साल के गैप में है। अगला जो है वो है एमए में उनका मौजू क्या था, यानी कि उनका कौन सा विषय था, कौन सा मौजू था, सब्जेक्ट क्या था उनका एमए में, तो इमरानियत था, इमरानियत बोलते हैं सोशियोलॉजी को, यानी कि सामाजिक सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र को बोलते हैं इमरानियत, ठीक है, ध्यान रखना है, सोशियोलॉजी को क्या बोलते हैं, इमरानियत बोलते हैं, ध्यान रखना है, सोशियोलॉजी उनका एमए का विषय था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला उन्होंने दिल्ली से किस में डिप्लोमा किया, यानी कि किस में उन्होंने दिल्ली से डिप्लोमा किया, तो मास कम्युनिकेशन में, ध्यान रखना है,
मास कम्युनिकेशन में उन्होंने दिल्ली से डिप्लोमा किया। अगला जो सवाल है वो है इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुआ। ऐसा कौन सा मजमू है जो कौन इरफान सिद्दीकी का जो मजमू है वो किस नाम से सारे को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है, तो दरिया नाम किसके किसके नाम से, तो दरिया नाम से। ध्यान रखना इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है वह इरफान सिद्दीकी नायब प्रिंसिपल से सबकदोश होने के बाद कहाँ सुगुनत पजीर हुए। तो नायब प्रिंसिपल से जब वो रिटायर हो गए, सबकदोश हो गए, तो वो लखनऊ में रहने लगे। अगला सवाल, इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा, ध्यान रखना ये जो मालवी कागनी मित्रम है, मालवी कागनी मित्रम ध्यान रखना ये किसका ड्रामा है, कालिदास का ड्रामा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका तर्जुमा किस नाम से किया इरफान सिद्दीकी ने, तो मालिका और अग्निमित्र, मालिका और अग्निमित्र के नाम से किया इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा का तर्जुमा किया। अगला जो सवाल है, इरफान सिद्दीकी के पहले गज़ल में कितने अशआर हैं। तो इरफान सिद्दीकी के पहले गज़ल में 7 अशआर हैं, ध्यान रखना 7 अशआर। और वहीं पे अगर आगे बात करें इरफान सिद्दीकी के दूसरे गज़ल में कितने अशआर हैं, तो 6 अशआर हैं, कितने अशआर हैं, 6, ध्यान रखना है इसको। सवाल है वो है दोहा किस ज़बान की एक कदीम सनफ सुखन है। तो दोहा जो है वो दोहा वो हिंदी ज़बान की है, किस ज़बान की, हिंदी। अगला जो सवाल है वो दोहे में कितने मिसरे होते हैं, तो जैसे कि नाम ही से पता चलता है दोहे में कितने मिसरे होंगे, 2, कितने, 2, ध्यान रखना है 2 मिसरे होते हैं। अगला जो सवाल है वो है दोहे में, दोहे के हर मिसरे में कितने चरण होते हैं। तो ध्यान रखना दोहे में कितने मिसरे होते हैं, हर 2 मिसरे, और उसके हर मिसरे में 2 चरण होते हैं, तो टोटल एक दोहा में कितना चरण हो जाएगा, 4 चरण, ध्यान रखना है। अगला जो है वक्फे से पहले का हिस्सा क्या कहलाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया दोहे में 2 मिसरे होते हैं और हर मिसरे में क्या होते हैं, 2 चरण होते हैं, तो उनमें से हर मिसरे में 2 चरण देने के लिए एक क्या होता है, बीच में एक वक्फा होता है, एक वक्फा होता है इस टाइप से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो वक्फे से पहले का जो चरण होता है, हिस्सा होता है, उसको सम चरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम चरण बोलते हैं। और वक्फे के बाद का हिस्सा, वक्फे के बाद का हिस्सा क्या कहलाता है, तो विषम चरण कहलाता है, क्या कहलाता है, विषम चरण, जैसे हम लोग पढ़े होंगे ना सम संख्या विषम संख्या, तो उसी तरह से वक्फा, वक्फा कॉमा टाइप इस टाइप का होता है, ठीक है, तो वक्फा से पहले का जो हिस्सा है वो समचरण है, और वक्फे के बाद का हिस्सा क्या कहलाता है, विषम चरण कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वक्फे से पहले का चरण क्या कहलाता है, हिस्सा समचरण कहलाता है, समचरण में कितनी मात्राएं होती है, ध्यान रखना है 13 मात्राएं होती है, कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है, आप बुक में देख सकते हैं, तो समचरण में कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है, कितनी मात्राएं होती है, 13। आगे देख लेते हैं, आगे जो है विषम चरण क्या है, विषम चरण, विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो विषम चरण में होती है 11 मात्राएं, कितनी मात्राएं होती है, 11, विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो शामिल निसाब दोहा को किसने लिखा, तो जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं दोहा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ज़फ़र गोरखपुरी के द्वारा। अब किस तरह से इसको याद करना, सारे चैप्टर्स के राइटर्स को, मुसन्निफ़ को, तो मैं आपको ट्रिक वाला वीडियो में बना चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला जो है वह है ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई, तो 5 मई 1935 को ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश हुई, 5 मई 1935 को ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश हुई, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे जो है ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कहाँ हुई, तो ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश हुई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बांस गाँव तहसील के बेदोली बाबू गाँव में, ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, नाम ही से पता चल रहा है गोरखपुरी, तो गोरखपुर के बांस गांव तहसील है उसके बेदोली बाबू गांव में उनकी पैदाइश हुई। अगला जो सवाल कह रहा है वो है उनकी शायरी किनके साथ शुरू होती है, तो उनकी शायरी जो है वो फिराक गोरखपुरी के साथ शुरू होती है। अगला जो है ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी का अब तक कितने मजमू और मंजर आम पर आ चुके हैं, तो ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी का जो है अब तक 7 मजमू, कितने मजमू, 7 मजमू मंजर आम पर आ चुके हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं कह रहा है ज़फ़र गोरखपुरी के सात मजमुओं का नाम लिखें, यानी कि ज़फ़र गोरखपुरी का जो 7 मजमू है उसका नाम लिखना है, ज़फ़र गोरखपुरी के 7 मजमू का नाम लिखना है, तो उनमें से है तेशा, वादिय संग, गोखड़ों के फूल, चिराग चश्मे तर, आर पार का मंजर, ज़मीन के करीब और हल्की ठंडी हवा, ये जो है ज़फ़र गोरखपुरी के जो है मजमुओं का नाम है, कितने मजमू है, 7, ध्यान रखना है।
अगला जो है बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के कौन से दो मजमूए शाये हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बच्चों के लिए जो है दो मजमूए नाच रही गुड़िया और सच्चाइयाँ, नाच रही गुड़िया और सच्चाइयाँ, ये जो है जफर गोरखपुरी का जो है मजमूआ है जो बच्चों के लिए शाये हुए हैं, ध्यान रखना है इसको। अगला जो सवाल है वो है उनके कौन से मजमूए में नज़्मों गज़लों और गीतों के साथ साथ काफ़ी तादाद में दोहे भी शामिल हैं। तो ध्यान रखना है ज़मीन के करीब, किस में, ज़मीन के करीब में। अगला है जफ़र गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया। तो जफ़र गोरखपुरी ने जो है अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात यानी कि इमारात यानी कि UAE यानी कि इन मुल्कों का दौरा किया। नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गीत किस जबान की शायरी की बहुत ही कदीम और महबूब सनफ है। तो गीत किस जबान की है, तो ध्यान रखना हिंदी जबान की है। किसकी, हिंदी जबान की है शायरी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है वो गीत लिखने वाले चंद शायरों के नाम लिखे हैं। तो गीत लिखने वाले चंद शायर हैं जैसे कि इस चैप्टर के जो हैं मुसन्निफ़ सलाम मछली शहरी, अजमल सुल्तानपुरी, ज़ुबैर रिजवी और वसीम बरेलवी। तो इनका नाम ध्यान में रखना है, ये आपको सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है सलाम मछली शहरी किस सनफ शायरी के शायर हैं। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं किस सनफ शायरी हैं, तो ये क्या है, गीत। तो गीत ही राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है वो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, वो है सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था। तो सलाम मछली शहरी का असल नाम जो था वो अब्दुलसलाम था। क्या नाम था, अब्दुलसलाम, ध्यान रखना अब्दुलसलाम उनका असल नाम था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी कहाँ पैदा हुए। तो सलाम मछली शहरी जो है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मछली शहर कस्बा में, तो नाम ही से पता लगा सलाम मछली शहरी, तो यानी कि मछली शहर में पैदा हुए थे। यानी ये मछली शहर कहाँ पर है, जौनपुर में है, और जौनपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अगला जो सवाल है सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई। तो उनकी पैदाइश हुई यकुम, यकुम मीन्स होता है एक, यकुम मीन्स क्या होता है एक, यानी कि 1 जुलाई 1921 को हुई थी। 1 जुलाई 1921 को सलाम मछली शहरी की पैदाइश हुई। अगला जो है सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ। तो इंतकाल ध्यान रखना 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला जो सवाल है वह सलाम का, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कहाँ हुआ। तो जैसे कि पैदाइश कहाँ पर हुआ था, जौनपुर में, तो उनका जो इंतकाल हुआ वो लाहौर में हुआ। कहाँ पे हुआ, लाहौर में, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके वालिद का नाम क्या था। तो जैसे कि देख रहे हैं उनका नाम क्या था, अब्दुलसलाम, और उनके वालिद का नाम क्या था, अब्दुलरज्जाक था। क्या नाम था, अब्दुलरज्जाक। अगला जो उनके दादा का क्या नाम था, तो उनके दादा का नाम था मोहम्मद इस्माइल। क्या नाम था, मोहम्मद इस्माइल नाम था, ध्यान रखेंगे आप, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। आगे उन्होंने किस हाई स्कूल में दाखिला लिया। तो उन्होंने फैज़ाबाद का जो है फॉर्ब्स हाई स्कूल जो कि कहाँ पे है, फैज़ाबाद में है। फैज़ाबाद कहाँ पे है, यानी कि यूपी में है, वहीं पे उन्होंने दाखिला लिया। अगला जो है, और वहीं से उन्होंने क्या किया, मैट्रिक। अगला जो मैट्रिक के बाद उन्होंने कहाँ दाखिला लिया, तो उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कहाँ पर दाखिला लिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है वह है उनके कौन से इनकलाबी नज़मों के मजमूए को बरतानवी हुकूमत ने जब्त कर लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनके कौन से जो है इनकलाबी नज़मों का मजमू था जिसे बरतानवी हुकूमत यानी कि अंग्रेज़ी शासन यानी कि हुकूमत ने क्या कर लिया, उसको जब्त कर लिया। तो वो है मेरे नगमे। क्या नाम था उसका, मेरे नगमे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आगे जो है खतूत के सिलसिला में उनकी मुलाकात किन से हुई। तो आचार्य नरेंद्र से हुई उनकी मुलाकात। अगला जो है वह फैज़ाबाद के किस रिसाला का एडिटर हो गए। तो वो जो है रिसाला जिसका नाम था नगमा, क्या नाम था, नगमा, उसके एडिटर हो गए। अगला जो है सलाम मछली शहरी ने किस उम्र में शायरी शुरू की। तो उन्होंने 14 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी। कब, 14 साल की उम्र में उन्होंने शायरी शुरू की। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है उनकी पहली नज़्म जो निरंग ख्याल के नाम से शाये हुआ, कब शाये हुआ। तो उनकी पहली नज़म, ध्यान रखना उनकी पहली नज़म का क्या नाम था, निरंग ख्याल। तो ये किस नाम से शाये हुआ, कब शाये हुआ निरंग ख्याल, तो 1935 ईस्वी को। और ध्यान रखना उनकी पहली नज़म था सलाम मछली शहरी का। आगे उनके गीत के कौन कौन से मजमूए हैं। तो उनके गीत के मजमूए हैं पायल है, बाजूबंद खुल जाए है, तीन हीरे है, ये सब उनके जो है मजमूए का नाम है गीत का। अगला जो सवाल है वह है उनकी कौन कौन सी नज़में अब भी याद की जाती है। तो सड़क बन रही है और पीतल का सांप, ये जो है उनकी ऐसी नज़म है जो अब भी याद की जा रही है।
अगला जो सवाल है वो सलाम मछली शहरी का दूसरा मजमू वस औते हैं, क्या नाम है वस औते हैं, कब शाया हुआ, तो 1944 में शाया हुआ, कब 1944, ध्यान रखना है। अगला जो है जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, जैसे ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश ही रहता है तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल टिक लगा देना है। तो जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है, तो कहाँ से, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है। अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है, अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो ताजमहल जो है जमुना नदी के किनारे है, जमुना को हिंदी में यमुना बोलते हैं, ठीक है, तो जमुना नदी के किनारे क्या है, ताजमहल है। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, अगला जो सवाल है वो है ताजमहल को किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराया, तो ध्यान रखना है ताजमहल को जैसे कि आप जानते होंगे किसने कराया, शाहजहाँ ने, किसने, शाहजहाँ ने। अब आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, मुतरादिफ मतलब सेम मीनिंग, जिसको साइनोनिम्स भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची, तो आकाश का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, तो आसमान हो जाएगा, यानी कि आकाश आसमान एक ही चीज़ है ना, इसलिए इसको मुतरादिफ बोलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इस नज़्म में शायर ने किसको बंसी बजाते हुए पेश किया, तो इस नज़्म में शायर ने घनश्याम को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घनश्याम को बंसी बजाते हुए पेश किया है, तो दोस्तों यहाँ पे इस